नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमाचल टुडे जी के यूट्यूब चैनल। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा रूप क्या है। इसमें जो आपसे पूछी है यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बार कोड। बार कोड तो सबने देखा ही होगा, लाइनें होती है जिनकी चौड़ाई अलग अलग होती है और कंप्यूटर रीडेबल होती है, तो उसके कहते हैं बार कोड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन सी है। इनमें से सबसे जो स्लो इंटरनेट किस पे चलता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी डायल अप सेवा। इसमें जो है इंटरनेट की स्पीड जो है सबसे कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है। ये जो चार ऑप्शन है इसके कौन सा है जो साइबर क्राइम नहीं कहलाता। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट बैंकिंग जो है साइबर क्राइम नहीं है। इसके अलावा जो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, क्रैकिंग और जो कंप्यूटर हैकिंग है, ये जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक से अधिक होम पेजों और इंटरनेट एड्रेसों को सपोर्ट करने वाले की सेवा सर्वर की क्षमता कहलाती है, उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं मल्टी होस्टिंग। एक से ज़्यादा होम पेज और इंटरनेट एड्रेसों को सपोर्ट करने वाली सेवा को कहते हैं मल्टी होस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सा निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम लागू नहीं करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, MS-DOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीधे हार्डवेयर पर बनाया जाता है। इनमें से कौन है जो हार्डवेयर पर बनाया जाता है। इसका जो आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है। जो शेल है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है, ये पूछा है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी भंडारण उपक्रम है। इसमें पूछा है कि जो रोम का उदाहरण कौन सा है। इसका आंसर है CD-ROM। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU द्वारा वर्तमान में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम और डाटा को रखने वाली मेमोरी कौन सी होती है। किसी भी प्रोग्राम को या डाटा को आप प्रोसेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो डाटा कहाँ पर स्टोर होता है, ये पूछा है आपसे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, टेम्परेरी स्टोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो इंस्ट्रक्शन जो बाइनरी मशीन कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों के साथ लिखी जाती है कहलाती है, उसको क्या कहते हैं। उसे कहते हैं सिंबॉलिक कोड्स। जो बाइनरी कोड्स होते हैं मशीन के, जो लैंग्वेज है 1010, ये बाइनरी कोड्स हैं। इसके अलावा जो कोड्स जो इंग्लिश में लिखे जाते हैं अल्फ़ाबेट्स में ABC से Z तक, इनमें लिखे जाते हैं, उनको कहा जाता है सिंबॉलिक कोड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाम या जो नंबर जो स्टोरेज स्थान की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है एक एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है उसका उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है वो है डिस्क, जो हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की फाइल में कितने प्रकार के पासवर्ड सेट किए जा सकते हैं? जो एमएस वर्ड है उसकी जो फाइल है पासवर्ड प्रोटेक्ट होती है, कितने टाइप के पासवर्ड आप उस पर सेट कर सकते हैं ये पूछा है। तो एमएस वर्ड में जो फाइल प्रोटेक्शन के लिए आप दो टाइप के जो पासवर्ड उस पर लगा सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो विशेषाधिकार एक डेटाबेस बनाने के लिए आवश्यक है वो क्या है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए SYS DBA। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस के एनवायरनमेंट का क्या नहीं होता है? जो डेटाबेस का एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या नहीं होता है ये पूछा है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मेमोरी। जो डेटाबेस के एनवायरनमेंट में मेमोरी नहीं होती है, इसके अलावा जो स्टोर डाटा मैनेजर डेटाबेस एंड डेटाबेस विस्थापक जो होते हैं डेटाबेस में होते हैं, पर इसके अलावा जो मेमोरी इसमें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS भाषा का जो घटक वो घटक है जो एक कार्यक्रम में एम्बेड किया जा सकता है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है डेटाबेस का कौन सा स्तर उपयोगकर्ता के सबसे करीब होता है? जो डेटाबेस का जो स्तर है सबसे करीब जो उपयोग कर रहा है उसके पास होता है वो है एक्सटर्नल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभव डेटा मूल्यों का एक सेट कहा जाता है उसको कहते हैं डोमेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटा शब्दकोश एक विशेष फाइल होती है जिसमें जो डेटा शब्दकोश है वो कौन सी फाइल होती है, उसमें क्या क्या होता है? इसमें जो ये सभी होता है, सभी फाइलों के में सभी क्षेत्रों के नाम, सभी फाइलों में सभी क्षेत्रों की चौड़ाई, सभी क्षेत्रों के सभी फाइलों के डेटा प्रकार। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परत जो TCP/IP मॉडल में मौजूद नहीं होती, जो TCP/IP मॉडल में जो लेवल मौजूद नहीं होता उसको क्या कहते हैं? वो है ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन लेयर। जो है TCP/IP मॉडल में नहीं होती, इसके अलावा TCP/IP प्रोटोकॉल्स में ये तीनों लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, पर जो प्रेजेंटेशन लेयर है TCP/IP प्रोटोकॉल में नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।